हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन रिपोर्ट्स को जिनको यूएन और उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज निकालती हैं। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था उन रिपोर्ट्स को जिनको वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ये रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन हर बार यूपीएससी इसमें इन रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली रिपोर्ट पे आते हैं जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अगर इसमें एजुकेशन वर्ड आ गया तो आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हो। इसको बनाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आती है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। इस रिपोर्ट को बनाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। तो अगर ट्रैफिकिंग आ गया तो किसी भी तरह के क्राइम को रिलेटेड आप याद कर सकते हो कि UNODC बनाता होगा। ऐसे ही वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, इसको भी ड्रग्स एंड क्राइम यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है तो इसको भी आप याद कर सकते हो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, तो यहाँ पे भी क्राइम वर्ड आ गया, ठीक है, तो इसको UNODC बनाता है। हालांकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिपोर्ट्स ऑन काउंटरफिटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये रिपोर्ट जो है वो ये नहीं बनाता। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आप याद कर लेना, इसको बनाता है यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रीच इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रिपोर्ट पे चलते हैं ICT डेवलपमेंट इंडेक्स, इनको बनाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ऐसे ही ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, वो भी UNITU बनाती है रिपोर्ट को। आगे हम चलते हैं ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स, EGDI, ये इंपॉर्टेंट है। इसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जितनी भी ई रिलेटेड रिपोर्ट्स होंगी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत, यूनाइटेड नेशन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत बनाई जाएंगी। जैसे ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स, ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। तो डेवलपमेंट यहाँ वर्ड आ गया, तो जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया था इसको वर्ल्ड बैंक के साथ ना जोड़ना। ई गवर्नमेंट आ गया तो इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत बनाई जाती है। ऐसे ही वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बनाता है। तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो देखता है, ये भी आप इससे कंफ्यूज मत होना कि वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बनाती है। ऐसे ही ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017, ये रिपोर्ट भी यही ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऐसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। डेवलपमेंट से आप, अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक या अपने दिमाग में आता है कि वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो सकता है क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्ड आ गया तो आपने ये याद रखना है कि इसको यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। आगे हम चलते हैं वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क इंडेक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ऐसे ही ये है वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, इसको याद कर लेना। इसको बनाता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है हमारे पास ग्लोबल ई वेस्ट मोनिटर रिपोर्ट, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि 2017 में आई थी। एंड इसको बनाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, और तीन ऑर्गेनाइजेशंस मिलके बनाती हैं, एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो अगली रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बनाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SSDN इसको छापती है। अगला आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसको भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क छापती है। उसके बाद कुछ ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो सोशल प्रोटेक्शन हम किनको जनरली लेबरर्स के अकॉर्डिंगली बोला जाता है, तो ये याद करना आसान रहेगा। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये भी ILO रिपोर्ट निकालती है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये भी ILO निकालती है। और ग्लोबल वेज रिपोर्ट भी ILO निकालती है। ऐसे ही एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी पे क्या एक्शंस लिए जाते हैं, कौन सी कंट्री किस रैंक पे आती है, इसको निकालता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ऐसे ही ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, जहाँ पे इन्वायरमेंट वर्ड आ गया तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एमिशन गैप रिपोर्ट, ये भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और द राइस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट, जैसा क्राइम के रिलेटेड हमने पीछे UNODC बनाती है, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंटरपोल इस रिपोर्ट को निकालती है।
आगे ही कुछ वीडियोस में ऐसी ही एजेंसीज की कुछ रिपोर्ट्स और डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।